नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदू धर्म के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म विश्व का प्राचीनतम धर्म माना जाता है। इसे वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि इसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले से है। विद्वान लोग हिंदू धर्म को भारत की विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का सम्मिश्रण मानते हैं, जिसका कोई संस्थापक नहीं है। हिंदू धर्म केवल एक धर्म का संप्रदाय ही नहीं है, अपितु जीवन जीने की एक पद्धति है। इस धर्म में माता पिता, देवी देवता, गुरु, पितृ, प्रकृति आदि को भी सम्मान दिया जाता है। इस धर्म में कर्म फल को भाग्य फल से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस धर्म से कई रहस्य भी जुड़े हैं, चलिए जानते हैं। कल्प वृक्ष का रहस्य। कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। पौराणिक धर्म ग्रंथ और हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह कहा जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर मनुष्य जो भी इच्छा करता है वह पूरी हो जाती है, क्योंकि इस वृक्ष में अपार सकारात्मक ऊर्जा होती है और ये वृक्ष समुद्र मंथन से निकला है। दूसरा है कामधेनु गाय। कामधेनु गाय की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई थी और ये एक चमत्कारी गाय थी, जिसके दर्शन से ही सभी दुख दूर हो जाते थे। दैवीय शक्ति से संपन्न ये गाय जिसके भी पास होती थी उसे चमत्कारिक लाभ मिलता था और इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। परशुराम के समकालीन ऋषि वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय थी और इस गाय की रक्षा के लिए वशिष्ठ को कई राजाओं से लड़ना पड़ा था। कामधेनु की अलौकिक क्षमता को देखकर विश्वामित्र के मन में भी लोभ आ गया था और उन्होंने इस गाय को वशिष्ठ से लेने की इच्छा प्रकट की, लेकिन वशिष्ठ ने इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों में युद्ध हुआ और विश्वामित्र ने अपनी हार मान ली। मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर है। मणि अपने आप में एक रहस्य है। बताया जाता है कि जिसके पास मणि होती है उसे आर्थिक रूप से बेहद शक्तिशाली माना जाता है। मणि हासिल करने पर वह शख्स उस राज्य का उत्तराधिकारी माना जाता है और सभी उसके हुक्म का पालन करते थे। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा के पास भी एक मणि थी, जिसकी सहायता से वह शक्तिशाली एक अमर हो गया। इसके अलावा भगवान कुबेर के पास भी एक शक्तिशाली मणि थी, लेकिन लंकापति रावण ने उससे चुरा लिया था। अति प्राचीन समय से ही विभिन्न प्रकार की मणियों ने भारत में अपनी जगह बनाई, लेकिन आज उनमें से शायद ही कोई इस संसार में उपस्थित है। भारतीय संस्कृति में शंख को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार शंख चंद्रमा और सूर्य के समान ही देव स्वरूप है। इसके मध्य में वरुण, पृष्ठ भाग में ब्रह्मा और अग्रभाग में गंगा और सरस्वती का निवास है। शंख से शिवलिंग, कृष्ण और लक्ष्मी विग्रह पर जल या पंचामृत अभिषेक करने पर देवता प्रसन्न होते हैं। कल्याणकारी शंख दैविक जीवन में दिनचर्या को कुछ समय के लिए विराम देकर मौन रूप से देव अर्चना के लिए प्रेरित करता है। यह भारतीय संस्कृति की धरोहर है। विज्ञान के अनुसार शंख समुद्र में पाए जाने वाले एक प्रकार के घोंगे का खोल है, जिसे वह अपनी सुरक्षा के लिए बनाता है। समुद्री प्राणी का खोल शंख बेहद चमत्कारी है। कहा जाता है कि शंख सभी के कष्ट दूर करता है तथा भूत प्रेत को भगाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के नए टॉपिक के साथ।